ये देखो कैसे देख रही है सो के उठ के। साइकिल वाला, मेरी गाड़ी में साइकिल वाला भी धक्का मार। मैं तो यार सच में ना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ये गाड़ी लेके ना, बिल्कुल पछता रहा हूँ कि यार मारुति की गाड़ी मैंने क्यों ले ली। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज बिलाल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइड एट लिमिट। सो गाइस, थैंक यू सो मच, लास्ट वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार किया, सपोर्ट किया, उसके लिए। तो आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और मैं तो फ़िलहाल रेडी हो चुका हूँ, याजान भी रेडी है बिल्कुल। नेहा को टाइम लगता है, जैसा कि हमेशा की तरह उसको अगर वो बोलेगी 1 घंटे में तैयार हो रही हूँ तो मतलब समझो 3 घंटे में तैयार हो रही है, तो उसका वो है, फिक्स है। ये नहा वहा के मस्त हो रहा है अभी देखो। तो अभी हम थोड़ी देर में दिल्ली निकलने वाले हैं। ये देखो कैसे देख रही है सो के उठ के। बहुत मज़े। तो पापा का कॉल भी आ गया था और लेट हो गया हूँ मैं काफ़ी। वो लोग खाना वाना बना के मस्त वेट कर रहे हैं। और फिर ये रही अपनी गाड़ी, कोई बात नहीं। तो फटाफट चलते हैं अभी, यार बहुत लेट हो गया। तो निकल चुके हैं हम यहाँ से। और यार बाहर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। देखो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब इधर भी जाम, उधर भी जाम, चारों तरफ जाम जाम जाम। ये वीडियो जो, ये शॉर्ट जो शूट कर रहा हूँ मैं ना, ये 14 प्रो मैक्स से कर रहा हूँ। और देखो 3x जूम पे है, बट वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये 3x है, ये 2x है, ये 1 एंड ये वाइड एंगल। तो वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है यार, इसमें भी काफ़ी अच्छी है। ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बगैर मत जाना। थैंक यू सो मच। आपके एक सब्सक्राइब करने से मैं, मतलब होता क्या है, जो नॉर्मली ये होता है कि आप YouTube चला रहे हो राइट, और आपके एक सब्सक्राइबर से सामने वाला मोटिवेट होता है, तो लेट्स डू ना। तो बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और मैं आपको ये व्यू दिखाना चाह रहा था बेसिकली, कि यहाँ से ना अगर शूट करते हैं प्रॉपर, ज़बरदस्त व्यू आता है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, देन ये जब स्लो स्लो चलेगा ना तो काफी अच्छा भी आएगा। बट ट्रैफिक इतनी है, क्या कर सकता हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास मारुति की गाड़ी है, आई मीन मतलब सिर्फ लोगो चेंज है, टोयोटा की है ग्लेंजा, जो बलिनो है ग्लेंजा सेम है, आपको पता होगा। तो इसका परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, चलता है, बट बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बकवास है। सर्विस मैंने टोयोटा से जस्ट इसलिए ली थी बिकॉज क्या है, टोयोटा से मुझे थोड़ी ढंग की सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि जिस दिन मैं अपनी गाड़ी क्या बोलते हैं जमा करूँगा सर्विस के लिए, उसी दिन मुझे रिटर्न में मिलेगी वापस। तो ये अच्छा है, टोयोटा का तो अच्छा है, चलता है, बट गाड़ी तो मारुति की है, तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह चीज़ें। तो इसमें क्या है, मुझे मेरा जो रनिंग है ना डेली का 100-120 किलोमीटर का रनिंग है, और इस वजह से पेट्रोल डलवाना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारी कोई फैक्ट्री तो है नहीं बहुत बड़ी कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ ना डीजल कार पर शिफ्ट होने के लिए, तो आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सी डीजल कार अच्छा माइलेज देगी, सही रहेगी। जो मैं रोज़ के 100-120 किलोमीटर जो चलती है उसके लिए बेहतर रहेगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि कौन सी गाड़ी सही रहेगी डीजल कार लेने के लिए, बिकॉज पेट्रोल में तो बिक जाऊंगा बाबा, क्योंकि अगर मैं दिल्ली से गुड़गांव आता हूँ 500 के पेट्रोल, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैंने इसका एवरेज चेक किया तो पेट्रोल, और मेरे हिसाब से जितने सालों से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, उस मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर ज़्यादा चलती है तो आप डीजल लो, और कम चलती है देन आप पेट्रोल लो। कम चलने से इन द सेंस कि अगर आप वीक में 1-2 दिन निकालते हो गाड़ी तो आप पेट्रोल चला सकते हो, ठीक है। बट आपका 300 दिन गाड़ी चल रहा है हर महीने, मतलब पूरे महीने में पूरा टाइम गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी निकालते हो और आप 100 किलोमीटर पर डे चला रहे हो, तो ये ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो डीजल कार अच्छी होती है, डीजल कार ले सकते हो आप। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और हम पहुंच चुके हैं इधर लोटस टेम्पल, बाजू में इधर लोटस टेम्पल है। मैं तो यार सच में ना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ये गाड़ी लेके, ना बिल्कुल पछता रहा हूँ कि यार मारुति की गाड़ी मैंने क्यों ले ली। मतलब कभी कभी साइकिल वाला, मेरी गाड़ी में साइकिल वाला भी धक्का मार गया एक बार, वो पीछे का बम्पर ख़त्म हो गया। तो मतलब ऐसी क्वालिटी है, आप समझ सकते हो, ये मुक्का मारो तो वो पूरा बम्पर इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से मैं बहुत थक चुका हूँ यार, बिल्कुल। ठीक है, गाड़ी अच्छी है, चला सकते हैं, फैमिली गाड़ी है, बट बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, जो कि मारुति को काम करना चाहिए। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लो, और नई गाड़ी लेके तो वैसे भी मैं पछता रहा हूँ, नई गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आप अनटिल अनलेस आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो देन आप नई गाड़ी लो, बट आप अगर वैसे यूज़ के लिए लेते हो क्योंकि आपको 1-2 साल रखना है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो होता है वो सेकेंड हैंड कार होती है। आपको एक अच्छे प्राइस में अच्छी डील मिल जाती है, और जिससे क्या है कि आपको पैसे भी कम देने पड़ते हैं और आप वो गाड़ी ले सकते हो। मान लो जैसे मैं 8 लाख में, 8.5 लाख में कोई गाड़ी ली, तो मैं 8.5 लाख में कोई और दूसरी गाड़ी भी ले सकता था इसके बजाय, राइट। तो ये चीज़ें हैं, उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया, बस मुझे गाड़ी चाहिए थी क्योंकि मुझे नीड थी उस कार की, तो मैंने ले ली 2 साल पहले, 2 साल होने वाला है, जुलाई में ली थी मैंने।